इस फ्राइडे को थिएटरों में दो दो मूवी रिलीज हुई है, एक तो एंटमैन और दूसरी है शहजादा। पर शहजादा ने एंटमैन को पछाड़ दिया है, वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आप देख रहे हैं फाइव टाइम मूवी चैनल। टाइम टू टाइम फाइव टाइम मूवी चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। वीडियो में कुछ मजेदार से बताएंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि आप सभी को पता है, शहजादा मूवी पहले 10 फरवरी को रिलीज होती, पर पठान की सक्सेस को देखते हुए इस फिल्म को डिले कर दिया गया और इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई, जो कि अब 17 फरवरी 2023 को रिलीज कर दी गई, मतलब कल। बात करें शहजादा की कास्ट की, तो इसमें कार्तिक आर्यन, कृति सेन, परेश रावत की भूमिका में है। और जिन लोगों को ये पता नहीं है, मैं उनको बता दूं, ये अल्लाह वेकुटम्बरम की रिमेक है, जिसमें हमें लू अर्जुन देखने को मिले थे। लू अर्जुन की फिल्म अल्लाह वेकुटम्बरम की रिमेक शहजादा एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है। इस जोनर की फिल्म एक्शन, इमोशन, ड्रामा, रोमांस का पैकेज बनाकर दर्शकों को दिया है। फिल्म में कार्तिक आर्यन ने अल्लू अर्जुन की एनर्जी को पूरी तरह मैच किया है और गुंडों पर अपना कहर डाला है। आप इसे ओवर एक्टिंग नहीं कह सकते, कैरेक्टर ही ऐसा है। चाहे तो आप गोविंदा सर की मूवी को उठा के देख लीजिए, भाई बंदे में दम तो है। भूल भुलैया 2 के बाद से ही फ्लॉप को हिट करने की दम रखता है कार्तिक आर्यन, जो कि शहजादा मूवी में देखने को मिला। वो एक फैमिली ड्रामा पर बेस्ड है। मूवी का नायक बिट्टू, मतलब कार्तिक आर्यन, जो बचपन से ही अपने पिता वाल्मीकि के द्वारा नकारा जाता रहा है, इसकी वजह उसे 25 साल में पता लगती है। जन्म के समय ही अपने असली बेटे के साथ अदला बदली कर दी है। उसने अपना असली बेटा रईस परिवार जिंदल परिवार के पास भेज दिया था, के बाद अपना हीरो बिट्टू वाल्मीकि से बदला लेता है या फिर जिंदल परिवार से अपना प्यार और हक हासिल करता है। अपने पहचान छुपाकर विलंग सारक से अपने असल परिवार की रक्षा करता है। फिल्म की कहानी उसी पर बेस्ड है। बिट्टू को रोल में कार्तिक आर्यन ने एक्शन इमोशन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा। कार्तिक आर्यन पूरी फिल्म को अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं, एक्शन, रोमांस, इमोशनल, तब मैं कार्तिक आर्यन जचे हैं। मैं एक फिल्म होने के चलते अल्लू अर्जुन सर से उनका कंपैरिजन तो जाहिर सा था, मूवी में कार्तिक आर्यन ने अपना एफर्ट 100% दिया है। अब बात करते हैं एंटमैन के तीसरे पार्ट की। जैसे कि आप सभी को पता है, मार्वल के माल के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उस पर खरी भी उतरी है ये मूवी। ये मार्वल का फेज 5 भी है, जिसको ये स्टेबलेट करेगी, इस पे ये बेशक खरी उतरी है और आप इसे फैमिली के साथ देख भी सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल ये मूवी आपको फुल मजा देगी। और अब मार्वल के लिए बचाई भी क्या है, फैंस जिसको पसंद करते थे वो रहे नहीं, जैसे ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और भी सुपर हीरोज है। पर लोग इस मूवी को इसलिए देखने जा रहे हैं, इसमें विलन कॉन्ग है जिसकी एक्टिंग लाजवाब है। और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 62.27 करोड़ $ कमाए हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। बात करें इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसने नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9 करोड़ का किया है। और मैं आपको बता दूं कि शहजादा मूवी ने अपने पहले दिन फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 7 करोड़ का किया है, जो कि बहुत कम है, पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी है और इसकी बढ़ोतरी भी हो रही है धीरे धीरे। जैसा कि मैंने कहा पहले भी, शहजादा मूवी ने एंटमैन को पछाड़ दिया है। तो ऐसे कि शहजादा मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ का बिजनेस किया है और एंटमैन ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 9 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि बहुत ही कम है। और वहीं शहजादा मूवी ने 7 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि कम होते हुए भी ज्यादा है, कि शहजादा मूवी की इतनी कॉन्ट्रोवर्सी होने के बावजूद भी इसने 7 करोड़ तो कमा लिए और इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। और एंटमैन मार्वल का माल होते हुए भी यहाँ कुछ कमाल नहीं कर पाई। आपका क्या कहना है इन मूवियों के बारे में, आप में से किसने ये मूवी देख ली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।